जले हुए बर्तन को आसानी से कैसे साफ़ किया जाए, आज उसका तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको। ये जो बर्तन है ये दूध से बहुत बुरी तरह जला हुआ है, ये देखिए। इसे मैंने ऐसे गैस पे रख दिया है। इसमें हम पानी डाल देंगे, जो भी जला हुआ पार्ट है वो पानी के भीतर होना चाहिए। ये देखिए, कवर किया, गैस को ऑन कर दें। फिर हम इसमें कोई भी कपड़े धोने का पाउडर यूज़ करेंगे, जो भी आप अपने कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लें। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। अगर बर्तन ज़्यादा जला हुआ है तो 3 से 4 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करें। इसे डालने के बाद गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसे खोलने देंगे। जैसे ये खोलना शुरू हो जाए गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 15 मिनट तक हमें उबलते हुए छोड़ देना है। पंद्रह मिनट बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमें उबलने देना है। बस ये देखिए, ये जो पानी है वो थोड़ा कम हो गया है, गैस को ऑफ कर दें। अब इस पानी को हम एक बर्तन में निकाल देंगे या फेंक देंगे। इसे मैंने निकाल दिया है। अब इस पैन को हम चम्मच से हल्के हाथों ऐसे थोड़ा सा घिस लेंगे। ये देखिए, ये जो दाग है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे, कुछ भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये निकाल दें। फिर इसे पानी से धो लें। अब हम इसमें बर्तन धोने का जो भी लिक्विड या साबुन आप यूज़ करते हैं वो डाल दें और इसे जैसे भी नॉर्मल बर्तन हम क्लीन करते हैं उसे वैसे ही क्लीन कर लेंगे। ये लोहे का जो स्क्रबर है, पहले इसे घिस लें थोड़ा, ताकि जो बचे हुए दाग है वो निकल जाए। इसको घिसने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी चाहिए, बस आप हल्के हाथों ऐसे रगड़े और ये फटाक से साफ हो जाएगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसे पानी से धो लें। पंद्रह से 20 मिनट टोटल इसको क्लीन करने में हमें लगते हैं, लेकिन हाँ, उसमें हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो पैन है ये जलने के पहले जैसा था पूरा वैसा ही हो चुका है। तो आप भी अपने बर्तन को ऐसे ही चमकाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें।